इंस्टाग्राम पर बूस्ट रील्स, बूस्ट पोस्ट या बूस्ट स्टोरीज का मतलब क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक डोंट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टोरी पर क्लिक करके नीचे राइट साइड पर हमें मोर का सेक्शन दिखता है एंड लास्ट में हमें बूस्ट स्टोरी का ऑप्शन दिखता है एंड किसी पोस्ट के नीचे भी हमें बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखता है। ठीक इसी तरह अगर हम किसी रील वीडियो के नीचे थ्री लाइंस पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पर हमें बूस्ट रील का ऑप्शन दिख जाता है। बूस्ट रील, बूस्ट पोस्ट या बूस्ट स्टोरी, इन तीनों का मतलब एक ही है, प्रमोट करना, यानी आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर हमें इस काम को करने के लिए इंस्टाग्राम को पैसे देने पड़ेंगे, जिसे आप ऐड भी कह सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम फ्री में भी तो अपनी रील वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं हैशटैग का इस्तेमाल करके या ऑर्गेनिक टिप का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अपनी रील वीडियो को किसी भी ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ मेरी रील वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो फैशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, यानी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाय भी करते हैं, तो इसका बेनिफिट मैं ऐड से उठा सकता हूँ, क्योंकि एड्स में हमें बहुत ज़्यादा टारगेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं और किसी प्रोडक्ट को हमें बेचना भी हो तो ईजिली हम एड्स के थ्रू बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, तो भी आप बूस्ट ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हमारे सामने ये रील है, यहाँ पर थ्री डॉटेड लाइंस पर आपने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर बूस्ट रील पर आपने क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, मोर प्रोफाइल विजिट्स। अगर आप चाहते हैं आपकी बायो में जो लिंक है उस पर ज़्यादा क्लिक्स हो, यानी अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसे आप सेल करना चाहते हैं थ्रू लिंक्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोर वेबसाइट विजिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं लोग आपको ज़्यादा मैसेज करें तो आप मोर मैसेजेस पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, मोर प्रोफाइल विजिट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मुझे फॉलो करें और मेरे अकाउंट को ग्रो करने में मेरी मदद करें। सिलेक्ट करने के बाद मुझे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपनी ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस मतलब जिन लोगों को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। अगर आप इसे ऑटोमेटिक पर रखते हैं देन इंस्टाग्राम आपके पेज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी रील वीडियो को सजेस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको अपनी ऑडियंस खुद ही क्रिएट करनी है। आपको क्या करना है, क्रिएट योर ऑन पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर आप ऑडियंस नेम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ फैशन। लोकेशन में आप किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कंट्री हो। यहाँ पर मैं इंडिया सर्च करूंगा एंड यहाँ पर इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लूंगा। आप जिस भी कंट्री या स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मुंबई, कुछ इस तरीके से किसी भी स्टेट का नाम आप लिख सकते हैं और उस स्टेट में आपकी ऐड रन होगी। इसके बाद टॉप राइट साइड पर टिक आइकन पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो फैशन से रिलेटेड स्टफ पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फैशन एंड सजेशन में फैशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे दिखाएगा यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एक और इंटरेस्ट मैं लिख देता हूँ क्लॉथ, क्लॉथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आपने टॉप राइट साइड पर टिक आइकन पर क्लिक करना है एंड नीचे आपको एज एंड जेंडर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के लोगों को आप अपनी ऐड को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ऐड को टारगेट करता हूँ 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों तक। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों टारगेटेड हैं। अगर आप मेल को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप मेल को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आप फीमेल को ऐड दिखाना चाहते हैं तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल को ऐड दिखाना चाहते हैं तो दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टॉप राइट साइड पर टिक आइकन को क्लिक कर देंगे, देन दोबारा टॉप राइट साइड पर टिक आइकन को क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आपने नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपना बजट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट राइट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डेली बजट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे मिनिमम बजट रखता हूँ डेली का 83 रुपीज़। इसके बाद नीचे आपको दिखेगा डेज का ऑप्शन, आप कितने दिन तक ये ऐड को रन करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से लेफ्ट साइड स्लाइड करके या राइट साइड स्लाइड करके आप डेट को भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 2 दिन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद आपको नीचे बॉटम में नेक्स्ट को क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे बूस्ट रील का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, आपकी ऐड रन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम ऐड रन कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपसे पेमेंट ऑप्शन पूछेगा, सो जो भी पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हो एंड आपकी पेमेंट वहाँ से हो जाएगी। अगर आपको पेमेंट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आती है देन कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आपको सेम प्रोसीजर बूस्ट स्टोरी पर भी देखने को मिलेगा एंड बूस्ट पोस्ट पर भी देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर भी आप सेम इसी तरीके से ऐड को रन कर सकते हो। अगर आप अपनी रील वीडियो के व्यूज को ऑर्गेनिकली बढ़ाना चाहते हो देन इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखो इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।